हाँ जी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, मैं जो हूँ अपनी छोटी सेना को लंच टाइम में दे रहा हूँ जी, अब खाने के लिए। तो फिलहाल इनको जो है सुबह का खाना दे चुका था मैं, और जो है अब मैं इनको खाना दे रहा हूँ। तो खाने में फिलहाल दे रहा हूँ जी मैं बाजरा। तो पहले तो इनके बर्तन को, एक मिनट हटो भाई, हटो हटो हटो। देखो जी, बिल्कुल नहीं डरते हैं और कैसे नज़दीक आके बैठे हुए हैं मेरे, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। तो फिलहाल इनको बाजरा मैं खाने में देता हूँ। तो देखो जी, देने भी नहीं देते, और साथ ही चलो 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 उधर खाओ भाई। और जो यहाँ पे है हमारा जो राजा है, तो राजा को प्यास लगी है जी, तो पानी दे देते हैं इसको, ये देखो। और ये पानी पी रहा है, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि जो रैबिट्स हैं वो पानी पिए। पर अब ये, कल से मैंने इसको अलग बंद किया हुआ था इस वजह से, तो इसको अभी पानी दिया, तो देख सकते हैं पानी पी रहा है हमारा राजा। और जो रानी है वो यहाँ पिंजरे में बंद किया हुआ है, क्योंकि ठंडा मौसम है। तो फिलहाल इनको पेटी में बंद कर देते हैं और दिन के टाइम बाहर कर देते हैं। एक साथ इनको मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इनसे ब्रीड नहीं लेनी है, और जो खरगोश होते हैं जो पालते हैं वो लोग जान सकते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड करते हैं। क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पर जगह की तंगी है, धूप भी नहीं है, और जो ऐसा टाइम है ये अभी वैसे ही निकालना है, क्योंकि जब तक ऊपर नहीं बन जाता है इन सब के लिए एक सेटअप, तब तक के लिए मैं इनको जो है अभी इसी तरह से अलग अलग इनको मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है और प्रॉपर एक सेटअप नहीं है। तो दोस्तों, ये बढ़ चुके हैं हमारी छोटी सेना, और ये सब बड़े हो चुके हैं। जब छोटे थे तब तो इनका एक साथ बढ़िया से चल पड़ता था, और अब जो है ये हमारे रैबिट्स भी लड़ते हैं। तो जी, ये बाजरा मैं दे दिया है, रैबिट्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे जो कबूतर के बच्चे वो क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। और रिदु हेलो करो, रिदु वहाँ पे लंच कर रही है अपनी मम्मी के साथ। और हमारे जो कबूतर के बच्चे हैं जी वो ये रहे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आ जाओ भाई आ जाओ। तो ये बच्चा जो है वो कई बार तो उड़ के हाथ पे आ जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। आ जाओ आओ, आ जा उड़ के जी, ऊपर बैठ चुका है। ये जो है इसकी परमानेंट जगह है, और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। दूसरा वाला आने के लिए बहुत सोचता है, तो इसको मैं पकड़ के निकाल देता हूँ बाहर। तो जी, इसको मैंने पकड़ के निकाल दिया है। एक ही बार पिंजरे पिंजरे में बैठे बैठे भी ये थक जाते हैं। ये देखो, ये वाला गुस्सा बहुत करता है। किस बात का गुस्सा है भाई? हेलो। तो ये देख सकते हैं आप जी, ये बड़ी ज़ोर ज़ोर से मुझे काट रहा है, और खाना ये खा चुके हैं सुबह का। तो फिलहाल जी बच्चे, ये आप देख सकते हैं इतने बड़े हो चुके हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ इनको धूप में लेकर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आज थोड़ी सी धूप आई है, और बहुत दिन हो चुके हैं कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी। आपने भी चलना है? कहाँ? धूप में। तो रिदु को भी धूप में जाना है। तो फिलहाल जी मैं पिंजरे के साथ ही इनको जो है ऊपर छत पर लेकर जाता हूँ, और ऊपर से हम आपको भी दिखाते भी हैं कि जो हमारा साइडों का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। चार, जो हमारे चार साइड जो बाउंड्री करनी थी उस, वो काम कितना हो चुका है, क्योंकि हमारे मिस्त्री भी छुट्टी पर है, तो फिलहाल वो काम अभी रुका हुआ है। तो आइए चलते हैं जी छत पर, और आपको वहां से नज़ारा भी दिखाते हैं, और अपने पिजन्स को हम धूप में आज लेकर चलते हैं। बहुत दिन हो चुके हैं। क्या जाना है? ओके, रिदु को भी चप्पल पहन के जाना है। तो आइए जी चलते हैं, और ऊपर से देखते हैं जी नज़ारा छत का, और चलिए चलते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं ले आया हूँ जी अपने बेबी पिजन्स को, फर्स्ट टाइम अपने नई छत पर लेकर आया हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है। और ये रही जी छत हमारी पूरी, आप देख सकते हैं। तो इन बच्चों को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, और आप ये देखेंगे तो देखिए जी, ये बाउंड्री का काम हमारा साइडों में हो चुका है, बीच में जो है अभी पिलर देने बाकी हैं, और जो हमारे मिस्त्री हैं वो छुट्टी पर हैं फिलहाल, तो इस वजह से यहाँ का काम जो है अभी हमारे रुका हुआ है। तो ये बाउंड्री पूरी उधर तक पूरी होगी, ताकि यहाँ पे किसी तरह का डर ना रहे, रिस्क ना रहे, हाँ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये बाउंड्रीज हो चुकी हैं जी, और काफ़ी ऊँचाई आप देख सकते हैं कि मेरे लगभग इधर तक ये हो चुकी है, और आप देखेंगे यहाँ से हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ साफ़ सफाई भी करवाई थी, जेसीबी मशीन आई थी, और बहुत सारी पतंगे यहाँ पे कट के आ चुकी है जी, हाइट पे है। यहाँ पे आप देखेंगे छत पे 1 2 3 4 5, उधर देखेंगे बहुत सारी पतंगे यहाँ पे आ चुकी हैं। तो कुछ यहाँ पे बनेगा जी अपना, जो पिजन्स के लिए, अपने बर्ड्स के लिए हम यहाँ पर इस जगह पर सेटअप बनवाएंगे,
बाकी देखते हैं जी कैसा सूटेबल रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मियां भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत होगी, तो उस हिसाब से कि ज़्यादा धूप भी ना लगे और एयर ही रहे, थोड़ा वेंटिलेशन का भी ध्यान रखते हुए क्रॉस वेंटिलेशन रहे, उस तरीके से हम बर्ड्स का इनका सेटअप बनाएंगे। तो दोस्तों आगे चल के मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगा। और बाकी ये रहे जी हमारे कबूतर के बच्चे, बहुत दिन बाद इनको ऊपर लेकर आए हैं और देखो जी बड़े दिन बाद इन्होंने धूप आज देखी है। लगभग मुझे तो लगता है करीब महीना भर से ये बाहर नहीं निकाले थे, हमने घर में ही थे, और देखो जी बाहर निकलने के लिए कैसे कर रहा है ये। तो दोस्तों हाँ, मैं आपको पास से भी दिखाना चाहूँगा कि धूप में जो है थोड़ा धूप में प्रॉपर इन बच्चों का पता लग पाता है। ये देख सकते हैं आप कि बाहर आके बैठा हुआ है, और मैंने अभी फ़िलहाल तो छोड़ा है इसको, तो अभी तो कहीं नहीं जा रहा है इधर उधर, और आइज भी देखेंगे आप क्लियर हो चुकी है और बच्चे की, और देख सकते हैं आप अभी तो मेरे इधर बैठा हुआ है जी। और वैसे रिस्क वाला काम है, क्योंकि कभी आज से पहले कभी इनको बाहर नहीं निकाला, ना मैंने ऐसे खुला छोड़ा था, डर ही अगर ये उड़ गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी हैं और सारा कुछ है। तो फ़िलहाल मेरे हाथ पे तो आ जाता है ये देख सकते हैं आप, एक बार मैं पास से भी दिखाता हूँ इस बच्चे को। आप इसकी आँख देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बच्चों की अब, और येलो कलर की इसकी आइज़ है, आप पास से देखें, और कलर कुछ इस तरीके का इस बच्चे का हुआ है। तो मैं एक बार पास से नीचे अंदर छोड़ के भी दिखाता हूँ, और दूसरे वाले का जो है अभी ज़्यादा वो नहीं है कोई, आपको मैं पास से दिखाऊँ तो देखो ये जो है दोनों के दोनों बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर मैं इनको अभी नहीं खोलूँगा, नहीं तो कहीं ये उड़ गए तो और दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। धीरे धीरे इनको इस जाल में ही रखेंगे ताकि इनको अपने घर के आसपास का एरिया पता लग सके। और व्यू आप देख सकते हैं हमारे आसपास का, ये देखो जी कुछ इस तरीके का व्यू है हमारा यहाँ छत से जो रहेगा, और यहीं पे हम अपना शौक पूरा करेंगे दोस्तों। जो हमारे पेट्स की फैमिली है इनको यहीं पर हम शिफ्ट करेंगे, और जो व्लॉग्स होंगे हम आपको यहीं से देखने को मिलेंगे हमारे। जी हमारा आज का व्लॉग दोस्तों, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों, और इसी तरह के पेट्स के व्लॉग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।